इस वक्त पूरा देश आज़ादी के अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए, मनाने के लिए, आज़ादी के जश्न को मनाने के लिए तैयारियां कर रहा है। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, उससे पहले यानी 14 अगस्त 1947 को हालात क्या थे, उस वक्त देश में बंटवारे का दर्द किस तरह लोगों को परेशान कर रहा था, तकलीफ दे रहा था, पूरे देश में हालात क्या थे जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। 14 और 15 अगस्त 1947 का वो दिन जब देश एक तरफ आज़ादी के जश्न की तैयारियों में जुटा था, तो वहीं दूसरी तरफ दर्दनाक दृश्य दिल दहला रहे थे। अंग्रेजी सत्ता ने भारत को आज़ादी की खुशियां भी बंटवारे की बहुत बड़ी कीमत चुकाकर सौंपी थी। 14 अगस्त को हिंदुस्तान दो हिस्सों में बट गया, भारत और पाकिस्तान। देश के इतिहास में 14 अगस्त की तारीख आंसुओं से लिखी गई है। यही वो दिन था जब देश का विभाजन हुआ और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत एक अलग राष्ट्र घोषित किए गए। इस विभाजन ने न केवल भारतीय उपमहाद्वीप के दो टुकड़े किए, बल्कि बंगाल का भी विभाजन किया और बंगाल के पूर्वी हिस्से को भारत से अलग कर पूर्वी पाकिस्तान बना दिया गया, जो 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश बना। कहने को तो ये एक देश का बंटवारा था, लेकिन दरअसल ये दिलों का, परिवारों का, रिश्तों का और भावनाओं का बंटवारा था। भारत माँ के सीने पर बंटवारे का ये जख्म सदियों तक रिश्ता रहेगा और आने वाली नस्लें तारीख के इस सबसे दर्दनाक और रक्त रंजित दिन की टीस महसूस करती रहेंगी। अलग मुल्क के तौर पर पाकिस्तान की बात दबी जुबान से कई दफे उठी थी, लेकिन 1933 में पहली बार कैम्ब्रिज के छात्र रहमतुल्लाह चौधरी ने पाकिस्तान का नाम सुझाया था। 1940 में जाकर देश में मोहम्मद अली जिन्ना ने खुलेआम अलग मुस्लिम मुल्क की पहली बार मांग रखी। 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान में हिंदू और मुस्लिमों को साथ रहने का प्रस्ताव दिया गया। अगस्त 1947 में बंगाल में जबरदस्त सांप्रदायिक तनाव फैला और तकरीबन 5,000 लोग मारे गए। जून 1947 में तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन के विभाजन प्रस्ताव को जिन्ना और कांग्रेस ने मंजूरी दी। इसी साल जुलाई में ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ। 14 और 15 अगस्त को भारत दो हिस्सों में टूट गया, विभाजित हो गया, भारत के दो हिस्से हो गए, बंटवारा हो गया। भारत से अलग होकर पाकिस्तान पहली बार अस्तित्व में आया। ये भारत के लिए सबसे ज्यादा पेचीदा दौर था। भारत और पाकिस्तान के जिन लोगों ने बंटवारे का दर्द सहा, वो आज तक इसे नहीं भूले हैं। सिर्फ एक फैसले की वजह से लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा था। अपनी जमीन जायदाद छोड़कर लोग चले गए, उनके तन पर सिर्फ तन ढकने जितने ही कपड़े बचे। लाखों लोग मकान दुकान संपत्ति से रातों रात बेदखल हो गए, सड़कों पर आ गए। इतिहासकार बताते हैं कि माउंटबेटन ने यह फैसला जल्दबाजी में लिया था। भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे की लकीर खींचने वाले सिरिल रेडक्लिफ को यहाँ के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी। वो बंटवारे से कुछ हफ्ते पहले भारत आए। उन्होंने बिना धार्मिक और सांस्कृतिक विचार मन मिलाए दो मुल्कों के बीच एक लकीर खींच दी। इसने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच ना खत्म होने वाली दीवार खड़ी कर दी। आज भी उस दौर को लोग याद करके सिहर उठते हैं, कांप उठते हैं। कम से कम जो तस्वीरें हम देख पाते हैं बंटवारे की, वो तो उस दर्द को भली भांति बयां करती हैं। बताया जाता है कि इस दौरान दोनों तरफ भड़के दंगे और हिंसा में 10 लाख से अधिक लोगों की जान गई थी। कुछ रिपोर्ट्स में ये तक कहा गया है कि इनकी संख्या 20 लाख तक थी। इस हिंसा ने किसी को नहीं बख्शा। महिला बच्चे बूढ़े सब इस त्रासदी की भेंट चढ़ गए। भले ये फैसला धार्मिक आधार पर लिया गया था, लेकिन समस्या सब कुछ बट जाने की थी। जिस हिस्से को हिंदुस्तान बनाया गया, वहाँ भी बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी थी। वहीं पाकिस्तान वाले हिस्से में हिंदू और सिख थे। सर सिरिल रेडक्लिफ ने सीमाएं तय कर दी
और ब्रिटिश इंडिया के दो प्रमुख प्रांतों पंजाब और बंगाल के बीच बंटवारे की लाइन खींच दी। इतिहास में खून और आंसुओं से लिखा बंटवारे का दिन 15 अगस्त की खुशियों पर धूल की परत बनकर छा गया था। यही वो दिन था जब आजादी के लिए सालों से आंदोलन कर रहे तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को भी बेबसी महसूस हो रही थी। वो ये बात सोच ही नहीं पा रहे थे कि क्या ये ही वो हिंदुस्तान है जिसका सपना उन्होंने देखा था। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।